नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद पांडे, डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट धर्मशिला नारायण दिल्ली से बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक चतुर्वेदी, मैं सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी एंड डायरेक्टर कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एंड पेसिंग नारायणा हॉस्पिटल गुड़गांव एंड धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल दिल्ली से। नमस्कार डॉक्टर विवेक। नमस्कार। आज हम लोग बैठ के जो कॉमन पेशेंट्स की क्वेरीज होते हैं, उनके क्वेश्चनर्स होते हैं रिगार्डिंग हार्ट डिजीज़, पेसमेकर्स, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, स्पेशली कोविड एरा में, इसके बारे में एक दूसरे से। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अक्सर ये बीमारियां कई बार नज़रअंदाज हो जाती हैं लोगों के जहन से, तो आज इसके बारे में अपन लोग बात करते हैं और थोड़ा सा कोविड के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा। डॉक्टर विवेक, अक्सर पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर धड़कन हो रही है, घबराहट हो रही है, कई बार पेशेंट बड़ा क्लियर होता है कि उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप एज ए हाउ डू यू टेक एज इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट एंड कैसे आप इवेलुएट करते हैं इस पेशेंट को? जी, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और जो हमारा फील्ड है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का, इसका ये मूल सवाल है ये। तो पहले ये बताना चाहूँगा कि दिल एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पंप है जो कि बिजली से चलता है। ये बिजली अंदरूनी तरीके से दिल के अंदर ही बनती है और तारों के ज़रिए ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। और ये जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की जो हमारी पूरी ब्रांच है, ये इन तारों की बीमारियों से जुड़ी हुई है। एक तरह से दिल की इलेक्ट्रिक कनेक्शंस जो हैं, जब वो ख़राब हो जाते हैं तब धड़कनें गड़बड़ होना शुरू हो जाती हैं। दिल की धड़कन अक्सर वैसे भी तेज़ हो जाती है नॉर्मल तरीके से। आप सब ने देखा ही होगा कि अगर आप तेज़ भाग रहे हों या उत्तेजित हो जाते हों, बहुत एक्साइटेड हों, तो धड़कन बढ़ जाती है, जो कि नेचुरल चीज़ होती है। ऐसे ही अगर किसी को खून की कमी हो या थायराइड बढ़ गया हो, ऐसे में भी, या प्रेगनेंसी हो, ऐसे में भी कई बार धड़कन जो है ज़्यादा महसूस होने लगती है। तो जो धड़कन जो है, ये एक तरह से हमारा की अंदर की एक फीलिंग है, एक अवेयरनेस है अपने खुद की हार्ट बीट की। ये हार्ट बीट अगर दिल बहुत बड़ा हो या बहुत ज़ोर से धड़क रहा हो या फिर बहुत फास्ट धड़क रहा हो या इरेगुलर धड़क रहा हो, तो उसको हम पैल्पिटेशंस कहते हैं। ये जैसे मैंने बताया कि नॉर्मली अगर आप भाग दौड़ रहे हों या उत्तेजित हों या आपको कुछ खून की कमी हो इन चीज़ों में, या फिर दिल में वैल्व की खराबी हो जिससे दिल बढ़ जाते हैं, उससे बढ़ सकता है। पर ज़्यादातर जो एबनॉर्मल धड़कनें होती हैं वो दिल के अंदर अंदरूनी तारों की बीमारी की वजह से होती हैं। उसकी वजह से धड़कन तेज़ भी हो सकती है और धीमी या कम भी हो सकती है। और ये इसके कई सारे कारण होते हैं। अब उनमें से गंभीर कारण कौन से हैं, सीरियस कारण कौन से हैं, ये आम लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी धड़कन हो जिसकी वजह से आपको चिंतित होकर अपने कार्डियोलॉजिस्ट को एक बार ज़रूर जाके इसके लिए मिल लेना चाहिए। आजकल कोविड एरा है, काफ़ी लोग आउट ऑफ जॉब भी हो रहे हैं, घरों में बैठे हुए हैं, जो एक सोशल इंटरेक्शन था वो भी ख़त्म हो चुका है जी। एंग्जाइटी इज़ प्लेइंग ए मेजर रोल, स्पेशली यूथ में अक्सर आते हैं। What are the red flag signs? ऐसे कौन से red flag signs हैं इनको कहते हैं कि भाई ये बहुत सीरियसली लेना है, या कोई reassurance देना है कि यार चिंता की बात नहीं है, ये इट इज़ एंग्जाइटी, पार्ट ऑफ एंग्जाइटी। हाउ डू यू एजुकेट योर पेशेंट्स कि शुड बी वरीड, शुड नॉट बी वरीड? जी, तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है कि जैसे मैं बताया किस लक्षण को गंभीरता से लें, किस सिम्टम को हम सीरियसली लें। तो जो धड़कन आपको जिसकी वजह से चक्कर आने लगे, एकदम से बेहोशी से आने लगे, या अगर आप बेहोश हो जाएं, या जिसकी वजह से आपको छाती में दर्द हो या सांस फूलना शुरू हो जाए, या आपने धड़कन आपको थी और आपने कोई दवाई ली पर उसका असर होना बंद हो गया हो, या इस तरह के जो ये होते हैं, ये वार्निंग साइंस होते हैं। इसके अलावा जिस किसी को पहले से दिल की कोई बीमारी है, जैसे कि हार्ट अटैक पड़ चुका हो या फिर वैल्व की खराबी हो या मांसपेशी की कमजोरी हो, ऐसे लोगों को कोई भी धड़कन तेज हो रही हो तो ये एक तरह का सीरियस चीज़ हो जाती है। इसके अलावा जो एज के एक्सट्रीम्स होते हैं, मतलब कि बच्चे और वृद्ध लोग जो हैं, इन लोगों में भी धड़कन को हम हमेशा सीरियसली ही लेकर इवेल्युएट करते हैं।
कुछ ऐसी मेडिसिंस भी हैं कई बार, जैसे पेशेंट्स हैं जिनको ब्रोंकोलास्थमा के हैं या कोई कफ सिरप्स हैं या ब्रोंकोडायलेटस हैं, उनसे भी कई बार पेशेंट को धड़कन होती है, मैंने देखा है जी। तो उनका आई थिंक एक इशू डिफरेंट हो जाता है। बिल्कुल, जैसे धड़कन के साथ डॉक्टर कई बार डॉक्टर विवेक आते हैं कि कॉन्ट्रेरी टू पैल्पिटेशन कि हार्ट रेट कम हो रहा है मेरा, सब मैंने सेचुरेशन प्रोब में देखा था हार्ट रेट 50 आ रहा था। तो कैसे आप सोचते हैं कि इसको कैसे सीरियसली लेना चाहिए या कैसे इवेलुएट करना चाहिए? जी, तो ये एक्चुअली इंटरेस्टिंगली काफ़ी कॉमनली आजकल लोग, क्योंकि आजकल कोविड के चलते हुए लोग सब लोगों ने घर में ऑक्सीमीटर्स ले रखे हैं, तो और हार्ट रेट को लेकर, तो इसमें तीन चार तरीके के पेशेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं। एक तो जिनको कोविड हो चुका हो, उन लोगों में कई बार हार्ट रिदम की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि हार्ट रेट एबनॉर्मली फास्ट या एबनॉर्मली स्लो हो जाता है कोविड की रिकवरी के बाद में भी। इसमें ज़्यादातर अगर आपको चक्कर नहीं आ रहे हैं, बीपी वगैरह ठीक है और बाकी चीज़ें ठीक है, हार्ट का फंक्शन ठीक है, तो कोई चिंता करने वाली ऐसी कोई बात नहीं होती है। एक्सपेक्टेड रिकवरी है करीब करीब 3 महीने करीब में रिकवर सारा हो जाता है। दूसरा, कुछ लोगों को जो घर में बैठे हुए हैं, कई बार हार्ट रेट स्लो वैसे भी जब आदमी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहा हो तो हो जाता है। उसमें अगर आपको कोई सिम्टम नहीं आ रहे हैं तो कोई चिंता करने वाली ऐसी कोई बात नहीं होती है। मोटे मोटे तौर पे धड़कनों की बीमारी में जब तक कि सिम्टम्स नहीं आ रहे हों, जैसे कि चक्कर आना या घबराहट महसूस होना, कमज़ोरी महसूस करना, ड्रेन्ड आउट फीलिंग होना, जब तक ये नहीं होते तब तक हम उसको कह सकते हैं कि हम रीअश्योरेंस दे सकते हैं। इसके अलावा जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ अब देखी जा रही है कि पल्स ऑक्सीमीटर में लोग चेक करते हैं कि 40 की हार्ट रेट आ रही है, तो जिन लोगों को एक्स्ट्रा बीट्स बनती हैं हार्ट की, वो कई बार ऑक्सीमीटर नहीं पकड़ पाता और आधी बीट्स काउंट करके उसको कम बता देता है। काफ़ी सारी कार्डियोलॉजी में ड्रग्स भी हैं जिनसे हार्ट रेट हम लोग पर्पसली नीचे लाते हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर है, डिल्टियाजैम है, कॉड्रॉन है। तो आप पहले आप डॉक्टर के पास जाने के पहले, आई थिंक हार्ट रेट कम है ये जाने के पहले आप देखें कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं ले रहे कि जिससे हार्ट रेट कम है, क्योंकि उसके इंडिकेशंस होते हैं, उसको हम बंद नहीं कर सकते कुछ पेशेंट्स में। कैसे इवेल्युएशन में आप, व्हाट इज़ द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस? ईसीजी है, इको है, ट्रेडमिल है। मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पहली बात तो ये कि डिटेल्ड हिस्ट्री हम लेना चाहते हैं, और उसके बाद में हम ईसीजी करके देखते हैं। ईसीजी करने के बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण जो टेस्ट मेरे हिसाब से है वो इको होता है, क्योंकि धड़कन चाहे कैसी भी हो, चाहे एबनॉर्मल हो, चाहे किसी और वजह से हो रही हो, अगर हार्ट अंदर से अंदरूनी तरीके से ठीक है, उसका फंक्शन ठीक है, उसमें कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, तो आपकी आउटलुक बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। तो इस हिसाब से ईसीजी करके इको करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। उसके बाद में जो बाकी टेस्ट होते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि जो कि दिक्कत है धड़कन की वो रोज़ हो रही है या कभी कभी होती है, कितनी देर रहती है। तो ये उसके बाद में फिर हमारे टेस्ट जो है थोड़े से अलग अलग। तो मुझे लगता है पेशेंट को सडन चेंज इन रिदम हो, कोई रीज़न नहीं है उसके पास, बैठा हुआ था अचानक धड़कन बढ़ गई, या आराम से खा पी रहे थे अचानक धड़कन कम हो गई। अनएक्सप्लेन चेंज इन हार्ट रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यस ईसीजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इको करके हार्ट फंक्शंस अगर अच्छे हैं तो एक बड़ा रीअश्योरेंस मिलता है कि मेरा हार्ट ठीक है, और हार्ट रिदम की प्रॉब्लम होगी तो इट कैन बी मैनेज्ड। बिल्कुल। कौन से पेशेंट्स होते हैं जिनको अक्सर पेसमेकर लगाना है और पेसमेकर लगना चाहिए? पेशेंट काफ़ी अप्रेंसिव होता है कि एक डिवाइस लगाएंगे मेरे अंदर, उस डिवाइस से कोई नुकसान तो नहीं होगा, तो हाउ डू एक्सप्लेन कि डिवाइस पेसमेकर क्या चीज़ है, क्यों ज़रूरी है, और व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ लाइफ आफ्टर पेसमेकर? जी, तो देखिए, पेसमेकर लगाने की आवश्यकता तब पड़ती है जब दिल के अंदरूनी तार खुद बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और टूटना शुरू हो जाते हैं। तो एक तरह से जब तार टूटना शुरू हो जाते हैं तो जो हमारे हार्ट का जो पंप है उसको सप्लाई बहुत कम रेट पर मिलने लगती है, तो हार्ट रेट गिर के 40-45 या उससे भी कम हो जाता है। इसकी वजह से जो जो गंभीर समस्याएं होती हैं वो एक तो है बेहोश होना, बेहोश होकर गिर जाना, चोट लग जाना, और कुछ लोगों में सडन डेथ या आकस्मिक मृत्यु भी हो सकती है।
इसके अलावा लोगों को कमज़ोरी आना, चलने फिरने में सांस फूलना और कुछ लोगों का दिल का फंक्शन भी कम हो जाना अक्सर देखा जाता है। तो ये बहुत ही गंभीर चीज़ें होती हैं, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि काम चल जाएगा। पेसमेकर एक तरह की एक मशीन होती है जो करीब करीब आजकल माचिस की डिबिया जितनी छोटी होती है, हम उसको अपनी कॉलर बोन के नीचे फिट करके वहाँ से तार दिल के अंदर भेज देते हैं। ये तार जो हैं ये हमारे दिल के जो कमज़ोर तारों की जो कमी है उसकी पूर्ति करते हैं, कंप्लीट करते हैं, उसकी वजह से जो रिदम कम आ रही होती है उसको कंप्लीट कर देते हैं। हम लोग लेमैन्स लैंग्वेज में इन्वर्टर बोलते हैं। जी बिल्कुल, इन्वर्टर है, पावर चली जाएगी तो बैकअप। एग्जैक्टली, इन्वर्टर है कि बैकअप के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये ऑपरेशन आजकल बहुत ही सेफ हो गया है, बहुत लेस देन 1% कॉम्प्लिकेशन रेट है और इनकी आजकल लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। 10-12 साल आराम से चल जाते हैं, उसके बाद में भी एक छोटा सा चीरा लोकल एनेस्थीसिया देके हम डिब्बी को बदल देते हैं, तार अंदर का अंदर ही रहता है। तो ऑल एंड ऑल वेरी सेफ एंड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन मेडिकल टेक्नोलॉजी। हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी में डॉक्टर बिठा दिया आपके अंदर। जी हाँ डॉक्टर विवेक, ऐसे पेसमेकर की बात आती है, कई बार हार्ट फंक्शंस ख़राब होते हैं, बड़े पुअर होते हैं, तो कुछ ऐसी डिवाइस लगाई जाती है जिनको ICDs बोलते हैं। जी, तो हाउ डू यू डिसाइड कि इनमें पेसमेकर लगना है, इनमें ICD लगनी है? जी, या थोड़ा हार्ट फेलियर के बारे में हम चर्चा करते हैं कि हार्ट फेलियर क्या है जी, और किस पेशेंट में हमें ICD लगाना चाहिए, जिसमें पेसमेकर की CRT-D लगाना चाहिए, जिसमें हार्ट फेलियर डिवाइस। हाउ डू यू डिसाइड दैट इम्पॉर्टेंट पॉइंट? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया ये। तो दिल का जब, जैसे मैंने पहले बताया कि दिल एक मांसपेशी है, एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड पंप है, और ये जो पंप है ये पिचकाकर ब्लड को हमारे धमनियों में फेंकता है, वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में फेंकता है ये। जब ये मसल पंप जो है ये जब कमज़ोर होने लगता है या फिर बहुत स्टिफ हो जाए, तो उसकी वजह से प्रेशर पीछे की तरफ बढ़ने लगता है, लंग्स में पानी चला जाता है, जिसको कि हम सांस फूलते हैं और हम कहते हैं हार्ट फेलियर हो गया। तो जो इसमें ज़्यादा गंभीर किस्म का माना जाता है वो होता है जब दिल की मांसपेशी बहुत कमज़ोर हो जाए, तो जो दिल ऐसे करके धड़कना चाहिए था अब वो सिर्फ ऐसे ऐसे ही चल पाता है, तो जो ब्लड उसके अंदर जमा होता है वो उसको बाहर बॉडी में नहीं फेंक पाता। ये जब होने लगता है इसके कई कारण हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा आम कारण इसके लिए है कि किसी को हार्ट अटैक पड़ जाना, इसके अलावा वेल्व खराब हो जाने और मांसपेशी खुद अंदरूनी तरीके से कमज़ोर हो जाना, ये बाकी कारण होते हैं। अब जब ये दिल जो है जब ये कम पंप करने लगता है, कमज़ोर हो जाता है, तब उसमें दिल में कुछ बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, अंदर स्कार या खुरंट बनने भी शुरू हो जाते हैं, तो सांस फूलना, पैरों में सूजन आना, इन सब के अलावा एक जो और ख़तरा जो पैदा होना शुरू हो जाता है वो ये है कि जहाँ पर अंदर खुरंट बन गए हैं या फिर स्कार बन गया है वहाँ बिजली की शॉर्ट सर्किटिंग शुरू हो जाती है और बड़ी तेज़ रफ्तार से गलत तरीके से धड़कन निकलती है, जो कि हमको आकस्मिक मृत्यु कर सकती है या फिर बेहोश कर सकती है, और जिसके लिए आपने देखा होगा कभी पिक्चरों वगैरह में कि लोग शॉक लगा के उसको ठीक करते हैं। तो आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसमें वो शॉक देने वाली मशीन इतनी छोटी हो गई है कि उसको हम पेसमेकर जैसे ही यहाँ पर फिट किया जा सकता है, और वो जो है वो एक तरह से आपके कार की सीट बेल्ट जैसा काम करती है। जब आप गाड़ी में सीट बेल्ट लगा के चलते हैं तो आप रोज़ सीट बेल्ट लगाते हैं पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उसका फ़ायदा तब होता है जब कभी कोई एक्सीडेंट हो, तो वो एक्सीडेंट को भी नहीं रोक पाता पर एक्सीडेंट की वजह से आपको जो गंभीर चोट लगती है उसको रोक देता है। तो ICD का यही काम है कि एक तरह से जो हमारे गंभीर घटना जो होने वाली है उसको वो रोक देता है। इसके अलावा जब दिल का मांसपेशी कमज़ोर हो जाती हैं तो कुछ तार जो दिल की एक तरफ की दीवार को सप्लाई कर रहे होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो आजकल जो नया एक तरह के पेसमेकर आए हैं उसमें हम उस तार को अलग से स्टिमुलेट करके और एक तरह से जो कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो जाता है दिल का उसको दोबारा से जैसे ऐसे से चलना दिल शुरू हो जाता है जिससे कि और ख़राब फंक्शन हो जाता है, उसको हम इकट्ठे कोऑर्डिनेट करके दोनों तरफ के हिस्सों को मूव करा देते हैं। ये एक तरह के सोफिस्टिकेटेड पेसमेकर होते हैं जिनको कि CRT कहते हैं, और इनसे कुछ तरह के हार्ट फेलियर्स में रिवोल्यूशनरी फ़र्क आ गया है बिल्कुल ही। हार्ट लोगों की डेथ कम हो जाती है, हार्ट
फिर लेके हॉस्पिटलाइजेशन कम हो जाते हैं, सांस फूलना कम हो जाती है, हार्ट का फंक्शन इम्प्रूव हो जाता है। जिन लोगों को जो स्कार की वजह से धड़कन तेज होने का शक रहता है और ये हार्ट कमज़ोर भी होता है, उनमें CRT और ICD को मिला के एक सिंगल डिवाइस में भी फिट किया जा सकता है, जिसको CRT-D कहते हैं, जिसको कॉम्बो डिवाइस बोलते हैं, जिसको कॉम्बो डिवाइस भी कहा जाता है। जैसे अक्सर धड़कन है, घबराहट है, हार्ट रेट 240 चला गया, 250 चला गया, पेशेंट काफ़ी आते हैं ECG लेके और कि डॉक्टर 10 मिनट लगा जान निकल जाएगी हमारी। एक ऐसे बड़ा सेगमेंट ऑफ पेशेंट्स है कि स्ट्रोक हो गया और आपने ECG दिखा तो उनको एट्रल फिब्रिलेशन है। जी जी, जो बड़े कॉमन एरिथमियाज हैं जो एज ए कार्डियोलॉजिस्ट हम लोग डे टू डे प्रैक्टिस में देख रहे हैं। जी, और पेशेंट बहुत अवेयर है आजकल, वो अक्सर पूछते हैं डॉक्टर साहब इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी EPS स्टडी है, RFA है, हमें ज़रूरत है कि नहीं, ज़रूरत है तो क्या रिजल्ट्स हैं हमारे, तो यू आर एक्सपर्ट इन EP एंड RFA, जस्ट हाईलाइट व्हाट इज दिस एंड विच पेशेंट नीड्स इन एंड व्हाट इज़ द रिजल्ट फॉर EP एंड RFA। तो जो दिल के तारों की जो दिक्कतें हैं, ये आज पिछले 25-30 सालों में इतना एडवांस साइंस हो गया है कि हम जैसे कि एंजियोग्राफी के टाइम पर जांग से नस में ऊपर जाके एंजियोग्राफी करते हैं, वैसे ही जांग की नस से हम आजकल तार लेके दिल के अंदर पहुंचाकर जो धड़कन होती है उसको डायग्नोस कर लेते हैं कि कहां से आ रही है। ज़्यादातर सब तरह की धड़कनें जो हैं उनको आज की तारीख में हम टारगेट कर सकते हैं, और जहाँ पर धड़कन बन रही होती है उस जगह पर फोकस करके हमारे पास स्पेशल तार होते हैं जिनकी टिप से गर्मी निकलती है, और उससे हम बड़ा लोकलाइज्ड एक जगह बर्न या जला देते हैं जिससे कि वो एबनॉर्मल तार नष्ट हो जाता है। ये तरीका बहुत ही इफ़ेक्टिव है, डिपेंडिंग कि कौन सा धड़कन की दिक्कत है, ऑलमोस्ट 80-95% लोगों में सक्सेस होता है विद लेस देन 1% कॉम्प्लिकेशन रेट। अब बात ये कि किन लोगों में इस्तेमाल किया जाता है, तो जिन लोगों का धड़कन जो है ख़तरनाक किस्म की हो, जैसे मैंने बताया जो इनको चक्कर आके बेहोश हो जा रहे हैं, हार्ट फंक्शन बहुत कम है, ऐसे लोगों में तो ये नंबर वन चॉइस रहता ही है। जो लोगों को धड़कन तेज होती है पर ये गंभीर लक्षण नहीं होते कि चक्कर आके गिर जाना या इस तरह से होना, उनमें हम पहले दवाइयों से कोशिश करते हैं। अगर दवाइयों का असर नहीं आ रहा या फिर दवाइयाँ जो हैं आदमी ले नहीं सकता किसी प्रॉब्लम से या ले नहीं पा रहा, जैसे कई बार जो कि युवा लोग होते हैं, यंग लोग होते हैं, वो दवाई से कॉम्प्लायंस बहुत ख़राब होती है, रोज़ दवाई नहीं खाना चाहते या नहीं खा पाते, BP कम हो जाता है दवाइयों से, तो ऐसे लोगों में या जहां दवाइयां हम दे चुके हैं पर असर नहीं हो रहा, उन लोगों में भी आजकल हम एब्लेशन के ज़रिए दिल की धड़कन की दिक्कतों को ठीक कर सकते हैं। मतलब ऐसी कोई चिंता की बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मतलब दिल हमारा किसी भी तरीके से आगे हार्ट रेट बढ़े या हार्ट रेट घटे, हार्ट फंक्शंस कम हों या हार्ट फंक्शंस एबनॉर्मल हों या नॉर्मल फंक्शंस में हो, कई बार हमें इन मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर्स हैं एंड बिल्कुल बिल्कुल एक्सलेंट लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। कोई एंग्जाइटी या कोई एक जैसे एक फोबिया होता है कि मशीन लग जाएगी तो हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी, नहीं, I think नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल लोग मैराथन दौड़ते हैं ICD लगा के, तो इट इज़ वेरी वेरी सेफ। डॉक्टर पांडे, मेरे से भी आपसे कुछ एक सवाल थे जो मैं कई बार से सोच रहा हूँ कि एक तरह का पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उठाए जाएं। ऑफ लेट मैंने देखा है और शायद आपने भी महसूस किया होगा कि एक कोविड के खौफ के मारे लोग आजकल अपने सिम्टम्स को नज़रअंदाज कर दे रहे हैं। बिल्कुल, उस चक्कर में कई बार लोग ऐसा आता है कि हार्ट अटैक 3 दिन पहले पड़ा था अब जाके आ रहे हैं, या बेहोश 3-4 दिन पहले हुए थे अब जाके दिखाने आ रहे हैं, मतलब कि लेट प्रेजेंटेशन हो रहा है लोगों का, लोग डर रहे हैं अस्पतालों में आने से। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा एक तो आप इसके बारे में बताएं कि किस तरह के सिम्टम्स लोगों को कभी भी नज़रअंदाज ना करना चाहिए, फ़ौरन चाहे कोविड हो ना हो पर आपकी जान ज़्यादा ज़रूरी है, तो किन चीज़ों को आपको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, फ़ौरन अस्पताल जाना चाहिए, ठीक, और क्या आश्वासन आप लोगों को देना चाहेंगे कि अस्पताल कितने सिक्योर आजकल हैं इस मामले में? देखिए, कोविड एक मतलब मैंने अपने इतने बड़े मेडिकल करियर में कभी ऐसा देखा नहीं था कि लोग 6-7 महीने से घर बैठे हुए हैं। बहुत सारे सोशल इश्यूज आए हैं इसमें, पीपल आर लूजिंग देयर जॉब एंड एब्सोल्युटली लाइफ हैज़ टेकन ए यू टर्न। कोविड की वजह से आपको हार्ट डिजीज नहीं होने जा रही है, लेकिन अगर आप हार्ट पेशेंट हैं और कोविड होता है तो
तो आपको कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं जी। सिर्फ इसलिए आपको कोविड होगा कि आप हार्ट पेशेंट हैं, ऐसा नहीं है ये जी। एक बात, दूसरी बात, ये कोई इंडिया में नहीं रहा, वर्ल्ड वाइड देखा गया था कि जब कोविड शुरू हुआ था तो एक काफ़ी पैनिक था लोगों में और एक अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी, लोगों को इस डिज़ीज़ का समझ भी नहीं आई थी कि हो क्या रहा है। बट नाउ वी आर लकी, नाउ वी हैव अंडरस्टूड द डिज़ीज़, हमें टाइम मिला समझने का, हमें टाइम मिला इलाज को पाने का, हमें टाइम मिला अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने का जी। तो नाउ वी आर बेटर प्लेस, बट डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स मैंने देखा अक्सर, जैसे आपने कहा पेशेंट को पेन 3 दिन हुआ और वो इग्नोर करता रहा एंड ही हैज़ कम विद द कॉम्प्लिकेशंस। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि आपको जरा भी सिम्टम्स हो जो लगता है कि जो पहले नहीं थे, या ये सीरियस सिम्टम्स हैं, या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पहले मैं बिल्कुल स्टेबल चल रहा था, मेडिकल कंसल्टेशन लेने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना चाहिए। डॉक्टर्स आर वर्किंग एज दे आर वर्किंग इन प्री कोविड एरा। करेक्ट। यू कैन कम टू हॉस्पिटल, देयर आर ऑनलाइन कंसल्टेशंस, यू कैन गेट अ टेलीफोनिक कॉल। सिम्टम्स को इग्नोर करेंगे आप तो कॉम्प्लिकेशन के साथ आएंगे, और अगर कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं और कोविड एरा में, देन इट इज़ मैटर ऑफ कंसर्न। तो जहाँ आपको डरने की बात है तो आप कोविड से नहीं डरिए, अपने बैकग्राउंड डिजीज से जरूर डरिए जी, क्योंकि जितना डिले करेंगे उतना कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे और ट्रीटमेंट भी उतना, यू विल नॉट गेट द राइट ट्रीटमेंट एट राइट टाइम। तो आई थिंक बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए और आपको टाइमली हॉस्पिटल आना चाहिए, एक बार। दूसरी बात ये कि कई बार होता है डॉक्टर साहब मुझे हार्ट डिजीज है, मुझे कोविड तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल। कोविड सबको उतने ही चांसेस होते होने के, चाहे कार्डिक डिजीज हो या ना हो। डेफिनेटली जिनको को मॉर्बिडिटीज जिसको बोलते हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, हार्ट बाईपास हो चुका है या हार्ट फंक्शंस ख़राब हैं, उनमें अगर कोविड होता है तो कॉम्प्लिकेशंस आर मच मोर। सो टाइमली इंटरवेंशन एंड टाइमली कंसल्टेशन इज आई थिंक की फॉर गुड ट्रीटमेंट एंड गुड सर्वाइवल। एक चीज़ जो और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगेन कोविड की वजह से ही जो लोग रेगुलर हार्ट के ट्रीटमेंट वगैरह ले रहे थे, कुछ लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे थे, एकदम से सब कुछ बिल्कुल बदल गया है। कई लोगों का मैं देखता हूँ कि दवाइयाँ खाना कुछ ने छोड़ दिया है, कुछ लोग जो रेगुलर लाइफस्टाइल थे अब सब बदल गई है, किसी का शुगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज? डॉक्टर विवेक, दोनों हुआ है। जैसे कई पेशेंट्स के फ़ोन आए, डॉक्टर साहब मेरा ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ कम हो गई हैं, मेरा बीपी बहुत अच्छा कंट्रोल है, मेरा शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल जी, है जी। बिकॉज दे हैव टेकन इट इज़ नॉर्मल फिनोमेना, दे हैव एक्सेप्टेड दिस चैलेंज, तो उन्होंने अपने को रिलैक्स किया। वो जो डेली हैसल से हरी करी वरी सड़कों पर, ट्रैफिक पोल्यूशन, उन्होंने अपने को बहुत एडजस्ट किया एंड दे हैव रियलाइज की लाइफस्टाइल का क्या इंपॉर्टेंस है इसमें। बहुत सारे पेशेंट के, डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि अगर हम दिनचर्या ठीक रखें, खाना ठीक रखें, मेडिटेशन करें, योगा करें, प्राणायाम करें, तो आई थिंक हमारी दवाइयाँ बहुत कम हो जाएंगी एंड वी कैन रिवर्स द डिजीज़। कॉन्ट्रारी रिवर्स भी हुआ है, स्ट्रेस में थे कि कब तक दवाइयाँ खाएंगे, मैं कैसे बाहर जाऊँगा, मैं कैसे कंसल्टेशन लूँगा, लोगों ने दवाइयाँ छोड़ दी हैं, तो उसका भी आया कि डायबिटीज़ बिगड़ गई उनकी, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया, दे हैव लैंडेड अप इन इमरजेंसी। तो आई थिंक कोविड के टाइम में जहाँ पे सोशल इंटरेक्शन बहुत कम है, ऐसे में आपको अपनी मेडिसिन, खासकर शुगर की, ब्लड प्रेशर की टाइमली लेना बहुत ज़रूरी है। अपनी दिनचर्या, इट इज़ द हाई टाइम आप अपनी लाइफ को शेड्यूल करिए, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, कि यार आपके शरीर को पता होना चाहिए कि मैं कब उठूंगा, मैं कब ब्रेकफास्ट करूंगा, मैं कब लंच करूंगा, कब मैं डिनर करूंगा, मैं कब सोऊंगा। बॉडी मस्ट नो, डेफिनेटली। ऐसे तो आपकी बॉडी विल बी कंफ्यूज कि यार ये आदमी मेरे साथ क्या कर रहा है, एंड देन डेफिनेटली विल फॉल सिक। तो आपको अपनी दिनचर्या का बहुत अच्छा कंट्रोल करना, मेडिटेशन है, घर के अंदर ही आप घूमिए, आप जीने पे चढ़ के उतरिए, प्राणायाम करिए, अच्छी डाइट लीजिए। इट्स हाई टाइम आप फैमिली के इंटरेक्ट करिए। देखिए सभी भाग दौड़ रहे हैं, आपको इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा जब बच्चों के साथ बैठिए, अपनी वाइफ के साथ बैठिए, इंटरेक्ट विद फ्रेंड्स। आई थिंक आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आई थिंक कोविड काफ़ी निकल चुका है, फ्यू मंथ्स आर लेफ्ट, आई थिंक वी विल थ्रू विद दिस कैलामिटी। थैंक यू डॉक्टर विवेक, आपने बहुत अच्छा, बड़े हम लोग कहते हैं सहज शब्दों में लोगों को बताया, क्योंकि 90% पेशेंट्स आर इन ए कन्फ्यूज स्टेट की मुझे क्या चाहिए, मुझे कब डॉक्टर पे जाना है। और मेरे साथ जितना मैंने समझा एज ए कार्डियोलॉजिस्ट की प्रॉब्लम्स हैं, बट देर आर बेस्ट सोल्यूशन टू दिस। बिल्कुल। एंड थैंक्स फॉर अपडेटिंग अबाउट पेसमेकर एंड ICD एंड हाउ टू प्रिवेंट सडन कार्डियक डेथ। थैंक यू सो मच।
एंड आपका सब श्रोताओं का भी बहुत शुक्रिया, और आई होप कि हम सब हेल्दी और सेफ रहें कोविड के टाइम पर। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।